मोलर एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रा लेबल वन टू थ्री यहाँ पे वन टू थ्री यहाँ पे स्पेक्ट्रा दिया हुआ है राइट तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रिप्टोफैन का होता है फिर का होता है फिनाइल एलिनिन रीज़न यू you नो know, रीज़न फिनाइल एलिनिन और फिनाइल एलिनिन का लास्ट में क्यों है क्योंकि उसके साइड चेन में कोई भी पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है।, है ना तो ये भी एक है कि वहाँ पर रिजोनेंस इफेक्ट नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड सब्सटीट्यूशन इज लाइकली टू कॉज द लार्जेस्ट चेंज इन द प्रोटीन कन्फर्मेशन तो फिनाइल एलिनीन नॉन पोलर है आइसोल्यूसिन नॉन पोलर है तो नॉन पोलर से नॉन पोलर अमायनोम यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक प्रोटीन है राइट और उसके किसी पॉइंट पे हमने फिनाइल एलिनिन था और फिनाइल एलिनिन की जगह आई आइसोल्यूसिन डाल देंगे तो क्या फ़र्क क्या कुछ बहुत बड़ा कोई फ़र्क आएगा तो आप कहेंगे नहीं आएगा क्यों क्योंकि फिनाइल आइलन और आइसोल्यूसिन ऑलमोस्ट नॉन पोलर अमाइनो एसिड हैं वही उनका बिहेवियर है तो कोई खास फर्क नहीं लाएंगे क्योंकि नॉन पोलर नॉन पोलर से रिप्लेस हो रहा है तो कोई मेजर चेंज आने वाला नहीं है और अगर सेरीन और थ्रियोनिन से वो रिप्लेसमेंट करें यानी सेरीन है और उसकी जगह थ्रियोनिन ले आए तो वहाँ पे भी जो रिप्लेसमेंट क्राइटेरिया है वो क्या है पोलर से आप पोलर ला रहे हैं तो कोई बड़ा चेंज लेके नहीं आ रहे हैं ठीक है उसी तरीके से ग्लूटामिन और टायरोसिन में भले थोड़ा सा अंतर जरूर है उनके सीओवनस्ट टू उसके पास ग्रुप होता है यहाँ पे ओएच ग्रुप होता है फिर भी नेचर जो है उसका वो पोलर ही है पर यहाँ पे क्या हो रहा है लास्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है ग्लूटामेट था और ग्लूटामेट की जगह आप क्या शिफ्ट करके ला रहे हैं वैलीन शिफ्ट करके ला रहे हैं तो ये क्या लेकर आएगा ग्लूटामेट एक अमाइनो एसिड है और

जब प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रही होती है और उनको उसको टर्न्स पे रहना ज़्यादा बेटर लगता है यहाँ पे ठीक है तो अगर हम लोग देखें इस ऑप्शन में तो फिर ये ऑप्शन तो होगा नहीं ठीक है प्रोलिन इसमें भी है तो ये भी ऑप्शन चला गया इसमें दोनों ही हैं तो यानी ये दो तो तीनों ऑप्शन तो वैसे ही चले गए तो इसका मतलब क्या है क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं ये हेलिक्स पे ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं तो फिर बचा कौन सा ऑप्शन

अमानो एसिड वर एल्यूटेड विद एन इंक्रीजिंग सॉल्ट ग्रेडियंट आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एल्यूशन कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करेंगे ठीक है तो उसमें हम क्या कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हम लोग किस लिए करते हैं हम लोग पॉजिटिवली चार्ज अमायनो एसिड को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग वो करते हैं ठीक है अब ये बताइए कि हम लोगों का रेजिन इसमें कौन सा था जिन लोगों का बाय लक अगर सही हो जाता है कभी कभी हम लोग ऑप्ट करते हैं और सही कुछ सोचा होता है और सही हो जाता है बट एक्चुअली में वो रीजन सही है या नहीं ये जज करिए अपना ठीक है तो रेजिन वॉज नेगेटिवली चार्ज और इसके पास क्या था एक फंक्शनल ग्रुप इसके ऊपर अटैच होता है राइट right? और ये जो फंक्शन होता है वो पॉजिटिव ग्रो अब अब मान लीजिए आपके मिक्सचर में ये तीन मिक्सचर थे ना आर्जिनिन था फिनाइल था और हिस्टिडीन था ठीक है तो अगर आपने इनको कोशिश की तो इसमें सबसे ज्यादा जो है तेजी से बाइंड कौन करेगा रेजन से जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो रेजन से बाइंड करेगा ज्यादा जो कम होगा वो पहले इल्यूट आउट हो जाएगा है ना ऐसा ही होगा ना तो जो जो कम तेजी से बाइंड करने वाला कौन होगा इन तीनों में से फिनाइल एलिनिन क्यों क्योंकि ये जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा फिनाइल एलिनिन के ऊपर तो कोई चार्ज होगा नहीं जब चार्ज होगा नहीं तो ये बाहर निकल आएगा उसके बाद कौन कौन चार्ज शो, शो करेगा हिस्टिडीन हिस्टिडीन भी थोड़ा बाइंड करेगा राइट right? बट क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर्जिनिन ज्यादा बेसिक और ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज एमाइनो एसिड है तो वो ज्यादा इससे बाइंड करेगा है ना फिर इस जब ये बाइंड कर लेगा फिर आप लोगों को याद होगा हम लोग आ, इल्यूटिंग बफर यूज करके फिर बाद में बाहर इसको निकालेंगे तो ये तो खुद ब खुद फिनाइल एलि निकल जाएगा कैटाइन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में इसके बाद ये निकलेगा इसके बाद क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैरी किया होता है इसलिए ये तो यू यू हैव टू रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटाइन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी है ना तब आप ये वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट सॉल्व कर पाएंगे ठीक है तो ये ध्यान में रखना रहना है आपको ओके okay, फिर नेक्स्ट ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही अगर सबने क्लासेस वगैरह अच्छे से अगर की होगी सुनी होगी तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिस्कशन वाली चीज़ है सभी लोग ये कर लिए होंगे तो जीरो टू फोर्टीन ले गए हैं फोर्टीन पी पे अगर ले गए हैं फोर्टीन पी आ गया है तो हम यहाँ पे एक्चुअली में क्या है जो भी है वो दो के पी के वैल्यूज़ को हमें कंसिडर करना है दो है ये मान लीजिए नौ से दस के बीच में रहता है और पी आपका फोर्टीन आपने पहुंचा दिया यानी कि दोनों की ही पी के वैल्यूज़ पार कर चुकी हैं वो क्रॉस कर चुकी हैं तो दोनों ही अपना नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे छोड़ चुके होंगे राइट तो अब आपको यहाँ पे चेकआउट करना है कि इसमें से कौन सा नहीं हुआ होगा मतलब आपको पूरे जीरो टू फोर्टीन में नहीं चेकआउट मतलब नहीं एग्जिस्ट करेगा फोर ऑप्शन है ठीक है ओके इन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एक्सपेरिमेंट्स प्रोटीन आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर दिस दिस ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसमें क्या होना चाहिए रिलेटिव कंटेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रेसिड्यूज ये सारे आपको दिए हुए तो हम लोग जानते हैं जो आई ई एफ टेक्निक होती है इट इज यूज टू सेपरेट पेप्टाइड ऑन द बेसिस ऑफ वॉट चार्ज डिसाइडेड बाई ओवरऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है ना उसी के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ पी के बेसिस पे भाई ओवरऑल जो चार्ज उसके ऊपर होगा उसके बाद वो जब जाएगा तो स्ट्रिप में मूव करेगा और अपने पी जहाँ पे उसका नेट चार्ज पूरा नेट चार्ज जब ज़ीरो होगा तो क्या हो जाएगा वो वहाँ पे रुक जाएगा वहाँ पे वो हमें बैंड इमर्ज करता हुआ दिखेगा यस ठीक है तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन फिर उस इन स्टेटमेंट्स के हिसाब से क्या आएगा तो सिर्फ चार्ज रेसिड्यूज़ या पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यूज के तो नहीं होगा ना तो रिलेटिव कंटेंट क्या है रिलेटिव कंटेंट इसीलिए यहाँ पे बात की गई है वो क्या है हार्ड ऑप्शन ठीक है तो अगर उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग कल का लेक्चर तो सब समझ आ जाएगा ठीक है तो यही हम लोगों ने बात भी की थी आप लोगों को ये बैंड याद होगा ओके okay. चलिए तो यूर्स अगर हम आई एफ और एस डी एस पेज दोनों की बात कर रहे होते हैं या पेज की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले क्या लिया गया कि कोई भी आपके पास मिक्सचर था उसको आपने पहले आई ई एफ पे चलाया आई इलेक्ट मतलब आईसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग पे चलाया तो प्रोटीन किस बेसिस पे सेपरेट होगी जहाँ पे उनका नेट चार्ज जाके ज़ीरो हो जाएगा तो जो आपकी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट थी है ना जो एक्चुअली में आप आइसोलेट करना की तैयारी कर रहे थे वो आपकी जो प्रोटीन थी उसका नेट चार्ज कितना था फाइव पीआई वैल्यू कितनी थी फाइव पॉइंट यानी ये वो पीएच होगा जिस पर इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा तो अब यहाँ पे आगे कि आपकी जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट थी जिसका पीआई आई फाइव पॉइंट टू था उसका बैंड जो है 5.2 पे लोकेट हो गया और उसको फिर कट के काट करके बाहर निकाला गया उससे फिर प्रोटीन निकाली गई अप्रोप्रिएट बफर तैयार किया गया फिर पेज पर उसको डाल दिया गया मान लीजिए जो हम लोगों ने कल किया था ऑलमोस्ट वही कभी बैंड्स भी आप सीधे स्ट्रिप भी रखी जाती है और एक ये भी तरीका होता है जो हम लोगों ने कल देखा था ना मैंने बताया था कि जो आई ई स्ट्रिप होती है सीधे आप एस डी पेज पे रख दीजिए या क्या कर सकते हैं वो उतना टुकड़ा काट के बाहर निकालिए बफर में आप मिला दीजिए घोल दीजिए और फिर से एस डी एस पे चला दीजिए अब वहाँ पे आपको तीन डिस्टिंक्ट बैंड मिले ठीक है तो ये तीन डिस्टिंक्ट बैंड क्यों मिले ये हो सकता है कि आप आपने जो यूज किया उसमें तीन डिफरेंट प्रोटीन हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि उनका पीआई सेम हो और अगर पीआई उनका सेम होगा तो हो सकता है आपको तीन बैंड मिल रह, मिल सकता है क्या ये ये चीज हो सकती है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए पे देखिए तीन बैंड है यानी जो मिक्सचर था ये वैलिन लाइसिन aspartate लिखा हुआ है आप आप इमेजिन कीजिए कि आपका कोई मिक्सचर था और आपको जो है जब आपने फॉर एग्जाम्पल यही है ना 5.2 पॉइंट टू पे मान लीजिए आपका बैंड आया था अब इसको भूल जाइए ये पिंक को भूल जाइए ठीक है इसी को बस हम लोग को देखना है यहाँ पे आपका बैंड रुक गया अब आपने इसको कट करके निकाला और उसके बाद एक बफर में डाल दिया ठीक है अप्रोप्रिएट बफर में इसको डाल दिया ये प्रोटीन घुल गई होगी अब इसको फिर आपने एस डी एस चलाया और आपने देखा आपको तीन बैंड मिल रहे हैं ऐसे आपको यहाँ तीन बैंड मिल रहे हैं तो आप क्या इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं इससे क्या आ, रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये जो प्रोटीन आपको दिख रही है ये जो आपकी प्रोटीन थी ये हो सकता है कि यहाँ पे थ्री डिफरेंट ऐसे हो कि इनका मॉलिकुलर मास अलग हो पर इन सभी तीनों प्रोटीन का जो पीआई वैल्यू था वो 5.2 था सभी का 5.2 ही था तो क्या ये ये बात तो हो सकती है ना तो आपका पहला ऑप्शन कह रहा था कि ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि जो 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 भी आपकी प्रोटीन्स थी ये जो तीनों प्रोटीन्स हैं इनकी पीआई वैल्यू सेम थी आईएफ जेल पे हाँ ये बात हो सकती है बी में क्या हो रहा था एज जब आपने पेज चलाया तो हो सकता है ये जो प्रोटीन्स थी इन ये इनका मॉलिकुलर मास अलग अलग हो ये बात हो सकती है और अगर अगर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ़ एक आपको बैंड मिल रहा है और एकदम अलग मिल रहा है तो वो आपकी अगर मान लीजिए एक ही बैंड आपको मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी एक डिस्टिंक्ट बैंड आपको दिखेगा और आपकी हो सकता है वो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट हो जिसका एक पर्टिकुलर मोलिकुलर मास हो तो अगर आप ऑप्शनस में देखेंगे तो ये ऑप्शनस आपको सही दिखेंगे और आप वहाँ पे बात आएगी प्रोटीनस की द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी कंपोज ऑफ थ्री सब यूनिट वो पॉसिबिलिटी नहीं होगीबिलिटी नहीं होगी यूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पी एच एट विच द नेट चार्जेज जीरो फॉर द मॉलिक्यूल फ्रॉम द डेटा शोन बिलो यो एक तो आप लोगों को पता है एक क्या था कि दो क्लोजेस्ट वैल्यू ले लो और उसका एवरेज ले लीजिए ठीक है और और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्लस वन है यहाँ पे चार्ज कितना है यहाँ चार्ज प्लस वन है इसकी वजह से यहाँ पे नेट चार्ज ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे चार्ज कितना हो गया माइनस माइनस तो ये और एक प्लस है यानी यहाँ टोटल चार्ज कितना हो गया माइनस वन यहाँ टोटल चार्ज कितना हो गया माइनस टू तो जो पी के वैल्यूज़ इन्वॉल्व है प्लस से प्लस से ज़ीरो प्लस से जीरो और माइनस वन जाने में उन पी के वैल्यूज को इंक्लूड करके आप क्या निकाल सकते हैं पी आई तुम तो दी आई विल बी ओके okay. तो प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान क्या होता है तीन प्रोटीन है ए बी सी है आप उसको जेल एक्सक्लूजन कर रहे हैं और कैटान एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी कर रहे हैं जेल एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है मास के बेसिस सेपरेशन होता है ठीक है पे सभी का पीआई दिया अभी मोलिकुलर वेट छोड़ दीजिए सभी का पीआई दिया है तो आप इस पीआई और पीएच आपको क्वेश्चन में पीएच सेवन दिया हुआ है कल हम लो, लोगों ने एक डायग्राम बनाया था इस तरीके का जो आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आया था पीआई यानी कि भाई ये पीआई सेंटर पॉइंट ले लिया प्लस यहाँ पे हम लोगों ने लो पीएच रखा था यहाँ हाई पीएच की बात थी अब आ, कहानी क्या है ये जो इंफॉर्मेशन है ए का इलेवन है और अगर इस इलेवन को तो हम सात पीएच के इन्वायरमेंट में डाल रहे हैं इस प्रोटीन को तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी क्या ये आप पता लगा सकते हैं जो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था अगर प्रोटीन बी का पीआई वैल्यू थ्री है और उसको पीएच एच सेवन में डाल रहे हैं तो ये कौन सी चार्ज हो जाएगी पॉजिटिव या नेगेटिव नाइन को आप अगर डाल रहे हैं तो क्या होगा तो अगर आपको याद हो वो वाला कॉन्सेप्ट जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं ठीक है देखिए पी आई है ठीक है सभी प्रोटीन का दिया हुआ इलेवन थ्री एंड नाइन ओके और हमने क्या किया है कि आप लोगों को थोड़ा सा आने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सेवन पी एच सेवन पी एच में इन प्रोटीन्स को डाला गया ठीक तो अब आपको सेट सेट कर सकते हैं अच्छा तो तीन तो सेवन से कम होगा यानी पीएच ज़्यादा है तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं है ना यहीं पे एडजस्ट होगा सेवन पीएच यानी ज्यादा है और इस प्रोटीन को हम यहाँ एडजस्ट करेंगे तो यानी कि इस केस में क्या होगा ये प्रोटीन डी प्रोटोनेट हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये दोनों वैल्यूज जो है प्रोटीन की ये क्या है ज्यादा है और ये जब ज्यादा है तो जाहिर सी बात है पीएच लो है पी एच लो है इस केस में क्या होगा ये दोनों ही प्रोटीन कैसा चार्ज कैरी कर करेंगी कैसा चार्ज कैरी करेंगी पॉजिटिवली चार्ज तो आई होप ये ये बात आप लोगों को समझ में आई इस तरीके से ड्रॉ करिए या जैसे भी है ना कल तो ये खैर डिटेल में अब यहाँ पे एप्लीकेशन की बात है कि कितना समझ में आए तो अब इसकी पी आई वैल्यू ज्यादा है तो ये ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगी ये थोड़ी कम पॉजिटिवली चार्ज होगी पर पॉजिटिवली चार्ज होगी और ये तो नेगेटिवली चार्ज हो हम लोग क्या कर रहे हैं कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और हम लोगों ने क्या देखा था कि कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम कैटायन एक्सचेंजर यूज़ करते हैं यानी कि इस केस में हमारे साथ क्या होने वाला है कि जब भी हम कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगी वो तेज़ी से बाइंड कर जाएगी नेगेटिव वाली तो सबसे जल्दी बाहर आ जाएगी ठीक है और पॉजिटिव वाली जो प्रोटीन है वो देर में बा, बाहर आएगी ठीक है उसी तरीके से अब ये वाला तो एटलीस्ट आपको सॉल्व करना चाहिए पहले ही बात आ गई कि जेल फिल्टरेशन क्रोमेटोग्राफी भी ऐसी ही कॉलम होता है हम लोग क्या भरते हैं उसमें बीड्स भरते हैं जैसे इसमें रेजन होता है उसमें बीड्स होते हैं तो जो बड़ी प्रोटीन होती है वो पहले बाहर निकल आती है वो और जो छोटी प्रोटीन है वो पोर्स में घुस जाती है इन बीट्स के तो फिर उसको निकालने में थोड़ी मेहनत होती है जैसे इस केस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन को निकालने में आपको मेहनत हो रही है ठीक है वो वो आपकी ही प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है पर मेहनत हो रही है यहाँ पे क्या है छोटी प्रोटीन लास्ट में तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो तो अगर आपको ऑप्शन में हम लोगों के पास क्या था कि ए बी सी तीन प्रोटीन्स थी ए का 45 किलो डाल्टन है 70 किलो डाल्टन है और 115 ठीक है और ये इसका पीआई वैल्यू 11 है 3 है 9 है ऑप्शन इसी हिसाब से जनरेट किए गए हैं कि जेल एक्सक्लूजन में ए पहले आएगा और और कैटाइन एक्सचेंज में बी पहले आएगा इस तरह से ऑप्शन पर आपके हिसाब से यहाँ पे जो आपको दिख रहा है अगर आप इसको ध्यान से समझ गए हैं तो आप कहेंगे कि ए जो है एलेवन पी कैरी की है हाईली पॉजिटिवली चार्ज है लास्ट में आएगी बाहर और उसका मॉलिकुलर वेट भी बहुत कम है इसलिए वो लास्ट में आएगी बाहर या इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट है ठीक है वो देखना है वो है क्या एल्यूट लास्ट इन बोथ द केसेस ओके चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग येस इट विल बीस पार्टिक का कितना होता है वन पॉइंट एट एट सम और ग्लोटामिट का टू पॉइंट वन नाइन ठीक है